हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। व्रज धाम जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना जीवन बिताया है, जब भी बात श्री कृष्ण की लीलाओं की आती है, उनके द्वारा दी गई सीख की आती है, व्रज के सभी वनों में श्री कृष्ण साक्षात विराजित होते हैं। आज भी श्री कृष्ण को अनुभव करने के लिए कई सारे लोग व्रज के वनों में जाते हैं। प्राचीन काल से ही अपने सौंदर्य और रमणीय वन के लिए विख्यात है व्रज। व्रज के वनों का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण सुबह से लेकर शाम तक इसी वन में अपना जीवन व्यतीत करते थे और कई सारी लीलाएं भी रचते थे। व्रज के प्राचीन वनों का नाम कुछ इस प्रकार है: वृंदावन, कोट वन, काम्य वन, कुमुद वन, कोकिला वन, खदीर वन, ताल वन, बहुला वन, विहार वन, वेल वन, अम्बिका वन, भद्र वन, भांडीर वन, मधुवन, महावन और लोहजंग वन। दोस्तों, ये 16 वन जो व्रज में हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। हर वन की अपनी ही महानता है, अपनी ही कथा है। आज के इस वीडियो में हम वृंदावन के बारे में बात करेंगे। मथुरा में स्थित वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। वृंदावन को व्रज का हृदय भी कहा जाता है। मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम यमुना के पास वृंदावन स्थित है। वृंदावन श्री कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का उल्लेख किया गया है। नामकरण। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे बड़ा वृंदावन का नाम वृंदावन। इसके संदर्भ में कई सारी कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि इस पावन स्थली का नाम वृंदावन इस प्रकार हुआ कि वृंदा, जिसे तुलसी कहते हैं, यहाँ तुलसी के पौधे अधिक थे, इसीलिए इस वन को वृंदावन कहा गया। ब्रह्म वेवर्दे पुराण के अनुसार वृंदा राजा केदार की पुत्री थी। उन्होंने इस वनस्थली पर घोर तपस्या किया था, उन्हीं के कारण इस स्थली का नाम वृंदावन हो गया और समय के साथ ये वन धीरे धीरे बस्ती में विकसित हो गया। कहा जाता है ये वृंदा सर्वशक्तिशाली श्री राधिका की ही अंश है, जो गोलोक में निवास करती थी। इन्हीं देवी के नाम वृंदा से ये वृंदावन नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, और कई मतों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि श्री राधा के 16 नामों में से एक नाम वृंदा था, इसीलिए अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने की आकांक्षा में निवास करती थी, इसीलिए इस वन का नाम वृंदावन हो गया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वृंदावन की महिमा बहुत ही अधिक है। यहाँ पर परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया था, अनेक प्रकार के लीलाएं रची थी। यह वृंदावन व्रज में आता है। व्रज का अर्थ बस से ब्रह्मा शेष रह गया रज, यानी यहाँ ब्रह्मा ही रज के रूप में व्याप्त है, इसीलिए इस भूमि को व्रज कहा जाता है। उसी व्रज में ये वृंदावन आता है। विशेष कर ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। किसी संत ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। अर्थात वृंदावन के बराबर संसार में एक पवित्र वन नहीं है, नंद गांव के बराबर कोई गांव नहीं, वंशी वट के बराबर कोई वट वृक्ष नहीं, कृष्ण नाम के बराबर कोई दूसरा श्रेष्ठ नाम नहीं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण प्रेम में एक बार एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा था, अरे सखी, ये वृंदावन वैकुंठ लोक से भी अधिक रूप में पृथ्वी पर कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि ये यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरणों कमलों का चिन्ह अपने अंक में धारण कर रहा है और अत्यंत
सुशोभित हो रहा है। सखी जब रसी केंद्र श्री कृष्ण अपनी विश्व मोहिनी मुरली की तान छेड़ देते हैं, उस समय वंशी धपनी को मेघा गर्जन समझकर मयूर अपना पंख फैलाने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। इसे देखकर पर्वत के शिखर पर विचरण करने वाले पशु पक्षी संपूर्ण रूप से निस्तब्ध होकर अपने कानों से मुरली की ध्वनि और नेत्रों से मयूर का नृत्य देखते हैं। स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने परम पुलकित होकर वृंदावन के पुनः पुनः प्रशंसा की है। तो दोस्तों, ये थे व्रजधाम के 16 वनों में से पहला वन वृंदावन की कुछ अनसुनी बातें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।